कि ताई का मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, बुंडी डाल, हाय 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 बुंडी डाल करे, खाट भी खरड़ खर डाले। अब वो बुढ़ी का धनी बुढ़ा मारा, रुके रहा छोरो बाज लो, थारी माँ मरेगी न्यू नो, लड़का अपनी माँ ठाई ठाक डॉक्टर के। अब डॉक्टर था नहीं कि तो काम गया, और थार जो कंपाउंडर था उसने पीरा क्यों पिए पड़े नु गोली मार देंगे। अब सोचे यार माँ ने कि तो दूर शहर लेके जाओगे, मामा इतना जी है वो गुरड़ लेगी, ये कंपाउंडर पे थोड़ा बहुत ठीक करवा लो। जाके कंपाउंडर तेन साहब देखो ना माँ का मलेरिया हो रहा है। बोला मलेरिया मुझे सुहा लिया वही भी ठीक कर दूंगा मलेरिया। अब तो डिटोल सा लगा के इंजेक्शन लगाया करे, वो तो थानी बगल में पेट्रोल की शीशी धरी थी, भर के इंजेक्शन पेट्रोल कर पच दे बूटी को लगा दिया, लागते बाज पड़ी। छोरे पीछे पीछे बूटी आगे पकड़ियो माँ ना पकड़ियो माँ थी कड़ी ना जागे। फिर उसने पकड़ का घर ले आए, वो लड़का का बाबू बोला अरे कित गई थी थारी माँ, नुक बाबू माँ तो न्यू न्यू इंजेक्शन लागते ओड़े थे नुक वा बेटे इंजन बेशक पुराना हो एवरेज पूरी दे रही है न्यू है। एक बार एक आदमी की घराली रोज उस तन्यू कहने को, ओ पिया जी ओ पति देव तेरे ते मैं घना प्यार करूं हूँ, तेरे बिना रोटियां का एक टूक भी नहीं तोड़ू। अब उसने सोची दिखा रांड की परीक्षा लेके देख तू, माओ साढ़े दिन घर तक बाहर चला गया, घर वाले ना दाऊ कच्चू चूरमा बनाया दाऊ खीर बनाई, और आन मजान बूझ के लेट हो गया। हर के काम करा लेट होगा, घर की जो चौखट जो दरवाजा मेन दरवाजा है आकर उसमें टांग फंसा के और उल्टन लटक गया जनू मर गया हो। अब घरवाली बाहर आई हाथ हूथ लगा के देखा नु गए यो तो मर गया, नुक मर गया तो मर गया किसका क्या कर गया, चाल वह खीर ठंडी हो रही है। खा पी का बाहर आई आकर रोन लगी, नु गए बर्बाद होगी रांड हो गया। अब पड़ोसी आ गए सुन के, नु के हो गया नु के मर गया, नुक मर गया तो चाल इसने फूक का होंगे। अब एक बोला भाई इसकी टांग चौखट में इस डाल फंस रही के तो चौखट पाड़ी जा, हर के इसकी टांग काटी जा। वो लुगाई बोली नु घोषणा चौखट कौन लगवाओगा टांगा नहीं कतरते। अरे वो लटकिया लटकिया सोचे नु कहा रांड करेगी काम छोटे को न्या। इतनी देर में एक छाना था बुढ़ा था बुजुर्ग था, वो बोला तेरा पति था तेरे आद्य अंग का साजी था, यो तो मर गया पर के बेरा इसकी आत्मा सुनती हो इस तक कान में प्यार के दो बोल तो बतला ले। इस तक प्यार ते कान में प्यार के दो बोल तो बतला ले। बोली अच्छा जाऊं सुजा का कान में, नु वो पिया जी ओ पति देव आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो, आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो, और वो कौन समझ रहा था काट का टांग होगा सीधा न्यू खीर तो खा गए लपालप थोड़ा चूरमो भी चखो। तेरे ये भगवान पाप के आगे यो धर्म बिचारा डरे क्या क्यों, और चीज ते इतनी चढ़ गई मनुष्य परम ते गिर गया क्यों, हे भगवान पाप के आगे परम विचार डर गया क्यों, ओए और चीज ते इतनी चढ़ गई मनुष्य परम ते गिर गया क्यों, हे भगवान पाप के आगे। धर्म बिचारा डर गया क्यों, और चीज सब इतनी चटकी मनुष्य कर्म ते गिर गया क्यों। पहली बात मैं बताया कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा करे तीन चार चीज है जो पूरी उम्र से देंगी दुख देंगी, कौन कौन सी, छोटी बेली खेत में गैली दारू की थैली और अनराम रही मर की चेली, सारी उम्र से देंगे हमारी माता बाण जाओ बाबा तो रहा संकट कटवाण गो बाबा संकट काटिए, रे बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मारे तारे कितना संकट काटेंगे। पहली बात में जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे उनके बारे में कवि ने एक बात लिखी, के लिखा कैसे कैसे के बता दिया, नेम धर्म मर्याद छोड़ के, नेम धर्म मर्याद छोड़ के कौन दिशा इंसान चला, बाबा जी का चोला पैरा बनके ने शैतान चला, घर की खांड की रकरी लागे चोर
चोरी का गुड़ खान चला। पिता मात पिता तगर में बैठे बेटा गंगा नहाने चला। मात पिता तगर में बैठे बेटा गंगा नहाने चला। लाकड़ तिरते देखे थे मन लाकड़ तिरते देखे थे यो लोहा जल में तिर गया क्यों। हे भगवान कांवड़िए आगे और भाई सुरेश जी एक बार फिर 100 रुपए का इनाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धर्म मर्याद छोड़कर कौन दिशा इंसान चलिया। बाबा जी का चोला पहरा पड़कर ने शैतान चलिया। घर की खान किरकरी लागत चोरी का गुड़ खान चलिया। मात पिता घर में बैठे बेटा गंगा नहाने चलिया। लाकड़ तिरते देखे थे और लोहा जल में तिर गया क्यों। अरे भगवान पाप क्या कहते धर्म बेचारा डर गया क्यों। दूसरी बात मैंने कही है कवि ने मरे बड़े बुजुर्ग ने कहा करे कि तीन चार आदमी तीन चार डाल की चीज है समाज में जो कोई अजमा लियो किसे कभी काम नहीं आऊंगी। कौन कौन सी आराम की कमाई बाजी ओढ़ लुगाई पुलिस और सिपाही नेता किसे कभी काम नहीं आओ कोई फणपार मर जाओ कोई अपनी ऐसी तैसी करवा लो किसे कभी काम नहीं आओ। अरे नेता ना तुम देखोगे इनका वोट पड़न था पहले ओढ़ डाल का मुंह पाओगे नहीं बेचारा हा और पड़ते ओढ़ डाल का हो जाएगा। पहले तो जब गांव में कोई नेता वोट मांगना होगा सीधी पैरा में दूड़ मांगेगा काकी राम राम ताई राम राम तेरे बालक सा ध्यान रखिए। अरे एक बार जीत जाओ फिर आगे गाड़ी पीछे गाड़ी आगे कमांडो पीछे कमांडो बीच में नू धोला कुर्ता पजामा चोड़े हाथ पा नू चालता होगा जनू दो दिन हो गए धार का डेसीदा आ रहा है। अरे फिर तमना उस तक कोई काम पड़ जाओ उस तक मिलन जाओगे आगे संतरी खड़ा पाओगा नू तना उस तक पता नहीं पड़ेगी कि अभी फलाने फलाने गांव तो न्यू न्यू आ रहे हैं। आंखियां बस सोई फिर जाएगी पिछाने को ना फिर उसने बताओ कि अभी फलाने गांव में न्यू न्यू कोथड़ खुर्द गांव में 1 लाख रुपए की माला गाली थी फिर हाथ लाओगा नहीं कोई जान पहचान नहीं। वो एक सब्जी वाला सब्जी बेचे एक 21 साल की छोरी गई जाकर बोली भाई ये आलू के भाव हैं। सब्जी वाला बोले अब दादी ये हैं 10 रुपया किलो। लेकर चली गई थोड़ी देर में 21 साल की छोरी गई वो बोली भाई ये टमाटर के भाव हैं। वो बोला दादी ये हैं 15 रुपया किलो। वो अभी लेकर चली गई। अब एक 80 साल की बूढ़ी हलती हलती कई देर में गई जाकर बोली भाई ये बैंगन के भाव हैं। वो सब्जी वाला बोला दादी ये 20 रुपया किलो। वो अभी लेकर चली गई। अब एक बूढ़ा बैठा बैठा देखा सब्जी वाले ने कई देर तक उसने वो सब्जी वाला बुलाया नुको आराम को और नु गाता हूँ नू बाजका जल्दी आ रहे। बाजका गए बोले आता हूँ के बात। बोले आराम खोर में तो न कई देर तक बैठे बैठे देख रहे हूँ नू बता ये काल की 20-20 साल की छोरी ये भी तेरी दादी इनने भी दादी कह रहा है तू अरे 80 साल की बूढ़ी यो भी तेरी दादी के जुगाड़ है। वो सब्जी वाला बोला देखता हूँ बात इसी है मन अपनी सब्जी बेचनी सी ना मेरी ना लगी साड़ी भी वो हाल है। दूसरी बात मैं कभी न के दर्शाए के लिखा प्रभु जी हाथ जोड़ के कहू प्रभु जी मेरी बात ना ओरी से और जीव बंदे मर्यादा में मानव के ना डोरी से पाप और पुण्य समझे फिर क्यों से मघाल रहा कोरी से 70 दाग लगे काया में तेरी फिर भी चादर तोड़ी से फिर रहने घर में दो घूट मार फिर रहने घर में हो के दंगा फिर क्या क्यों Oh,
भी चेंज हो गया। पहले के टाइम में बड़े भोले भोले आदमी भोली भोली ताई होया करती, आजकल सारे पढ़े लिखे तेज हो गए। पहले के टाइम में इतना भोला जमाना था, वो एक ताई बिचारी रोड ऊपर के जा मंदिर में जावे, और रास्ते में जो किलोमीटर वाला पत्थर नहीं आया करता भाई, नारनोल इतने किलोमीटर, फलानी जगह इतने किलोमीटर, वो किलोमीटर वाला छोटा पत्थर वो देख कऊ कई आगे मुंदी होगी, खील चढ़ा दिए, पताशे चढ़ा दिए, नारियल फोड़ दिया, टीका काट दिया, नो बाबा तू ही सुना गो मेरी तो। मैं गया मखताई के घर, बोले बेटा हाथ जोड़ ले बाबा है। अरे मखताई हो बाबू को ने पत्थर से, बोले आप पढ़ के बता के लिख रखी है मखताई, इस पर न्यू लिख रखी है अगर नारनोल 20 किलोमीटर नुक देख ले है नहीं बाबा, उरे बैठा बैठा बता दी नारनोल कितनी दूर हो बाबा। अंधविश्वास का जमाना, जो जितना अंधविश्वास फैला दे उतना ही बढ़िया आदमी। तीसरी कली में कवि ने न्यू कही है कि मित्र यार आज की डेट में कैसे हो गए, किस कारण से यार ना करते। तीसरी बात में क्या लिखा, कैसे कैसे स्वार्थ कारण करे दोस्ती, स्वार्थ कारण करे दोस्ती, उसने सच्चा मीत कहे लेके देना, लेके देना कमा के खाना, उसकी अच्छी नीत कहे हीने मानस पे जेली ताने, उसने ये रणजीत कहे हाथ जोड़ के राड बुझा दे, कुछ दिलों पे बीत कहे हाथ जोड़ के राड बुझा दे, कुछ दिलों पे बीत कहे। लोहा ले गया जगे लाल की, लोहा ले गया जगे लाल की, लाल रेत मगर जा क्यों हे भगवान पाप के आगे रघुपति राधे और आखिरी के लिए आपके बीच में चार लाइन होगी वो और सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा छोटा चुटकला याद आ गया। वो एक बार एक गांव में दो बुढ़िया में शर्त लागी, एक मैं सियाणा दूसरा का मैं सियाणा, फैसला ना हो कौन सा सियाणा। अब दोनों ने सलाह मिलाई के भाई तुम दिल्ली वाली बस में बैठ लो और जो बिना किराया दिया दिल्ली पहुंच जाएगा वो ही सियाणा। एक बुढ़ा अगर चढ़ लिया, एक पाछे चढ़ लिया। अब पहले बुढ़े दो कंडक्टर आया कि बोला ताऊ टिकट। अब ताऊ ने दिमाग लगाया, बुढ़े आदमी सियाणे बहुत हो यार, दिमाग लगाया और दिमाग लगा लू सोच साज का, बोला कंडक्टर भाई पिछाना नहीं मैं तेरे गांव का। बोल तू बावली पूछ मत बना टिकट काट। अब ताऊ ने और दिमाग लगाया, बोले भाई कंडक्टर एक बात बता, जब इस बस में तेरी बाण बैठ जाए उस तक टिकट ले होगा तू। कंडक्टर बोला ना ताऊ, जब बाण ही बैठ गई उसने तो मान सम्मान के 11 रुपये भी दूंगा, चाह भी पियाऊंगा, केले भी दुआऊंगा, टिकट भी ना लूँ। वो ताऊ बोला भाई एक काम कर, तू चाह की बिटाल कर, केले की बिटाल कर, 11 रुपया की बिटाल कर, टिकट छोड़ दे नू सोच लिया बस में तेरी बाण बैठ गई। अब कंडक्टर ने सोची इतनी उम्र का बूढ़ा तेरी बाण बन गया, क्या टिकट लेगा। आगे गया वो दूसरा बूढ़ा, दूसरा जो कोई बैठा, बोलता वो टिकट, बोल भाई टिकट मैं बिना ली। बोल तू के ना ला, तन उस अगला बूढ़ा गिना ली। वो कंडक्टर बोले अरे वो अगला बूढ़ा मेरी बाण बन गया मन नू ना ली। वो बोला भाई फिर लू मैं भी को ना। बोले तू क्यों ना ले, नू सोच ले बस मैं तेरी बाण की गल, तेरा जीजा भी बैठ गया। जमाना है आखिरी कली में कवि ने निचोड़ कर दिया, न्यू कह दी के परमात्मा एक परमात्मा तो मिलन का भक्ति एक ऐसा सीधा मार्ग है, बिल्कुल सुगम राम मार्ग है। उस मार्ग पे परमात्मा तो भक्ति करके कोई चल लगा सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। किस प्रकार से अंतिम गली में निचोड़ कर दिया, क्या दर्शाए कैसे। सीधा रास्ता रास्ता
ले खिंच के एक अच्छाई एक बुराई मिल आदम दे के मां फंस के ज्ञान बिना वा खुले नहीं जो मन पे गांठ लगी कस के बोए जिसे काटने होंगे रोके काटे अगत की खातर सिर दे बीदत की अगत की खातर